कमलनाथ सरकार के दौरान हुए स्मार्ट सिटी के टेंडर्स की जांच शुरू कराए जाने की तैयारी हो रही है। सातों स्मार्ट सिटी में चल रहे कामों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी नाराजगी जताई थी। सीएम शिवराज ने सागर में स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण भी किया। कांग्रेस सरकार के 15 महीने के स्मार्ट सिटी के टेंडर्स की जांच के बाद शिवराज सरकार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने जयवर्धन सिंह को कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना ही जताई थी कि इस बीच राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर जयवर्धन सिंह का घेराव कर दिया है। दरअसल भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और सतना में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में करीब 75% काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। अब सीएम खुद सभी 7 स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान के स्मार्ट सिटी के कामों की जांच की तैयारी हो रही है। जांच के लिए एक IAS की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ये हम पहले भी कहते हैं, दिग्विजय सिंह से विरासत में जयवर्धन जी ने कुछ गंदी चीज़ें सीख ली हैं। और आपको ध्यान होगा ट्रेजर आइलैंड घोटाला, तो दिग्विजय सिंह जमीनों के खेल के मास्टर हैं और इस मास्टर गेम में जो उपयोग कर गए हैं वो जयवर्धन शायद स्मार्ट सिटी का कर गए हैं। तो अब हिसाब तो देना पड़ेगा साहब, उधर मोदी इधर शिवराज है, कहाँ बचोगे। मार्च 2020 में जब मध्य प्रदेश में BJP की सरकार बनी थी तब स्मार्ट सिटी के कामों की जांच की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन एक बार फिर से जांच की बात सामने आ रही है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस भी राज्य सरकार पर हमलावर है। अब 15 माह की सरकार कोई घोटाले की, 15 माह तो हमको काम करने का समय नहीं मिला, 11.5 माह तो कुल मिले, उसके अंदर आरोप लगा रहे हैं। हम तो हर जांच के लिए तैयार हैं। स्मार्ट सिटी घोटाले आपको लगता है तो उसकी पूरी जांच कराइए, हम हर जांच को तैयार हैं। और कोई भी यदि हमारे खिलाफ सबूत हो तो सामने लाइए, लेकिन यदि कोई भी दाग निकलेगा या कोई घोटाला निकलेगा तो आपकी सरकार का ही निकलेगा। सरकार स्मार्ट सिटी के कामों की जाँच से कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है और इस जांच में उन नौकरशाहों के कामकाज पर भी सवाल खड़े होंगे जो कि उस समय नगरीय विकास विभाग में पदस्थ थे। राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार में हुए स्मार्ट सिटी के टेंडर्स की जांच कराने का निर्णय किया है। ये जांच मुख्यमंत्री सचिवालय की एक अधिकारी करेंगी ऐसा माना जा रहा है। स्वाभाविक रूप से इन टेंडर्स की जाँच के द्वारा 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर शिकंजा कसना है और साथ ही उस समय के नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह पर भी शिकंजा कसना है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह इन दिनों खासे एक्टिव हैं। उनके चाचा लक्ष्मण सिंह ने तो उन्हें कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बता दिया है। ऐसे में राज्य सरकार उन पर शिकंजा कस के पता नहीं क्या करना चाहती है, लेकिन ये साफ है कि यह राजनीतिक लड़ाई स्मार्ट सिटी के टेंडर्स के घोटाले को भी खोल के रहेगी। विजिलेंस अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।